बिहार विधानसभा चुनाव में रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की कमी महसूस होगी। हालांकि उनकी अगली पीढ़ी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव एवं तेज प्रताप यादव पिता की छाया से अलग चुनाव मैदान में है, तो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी पिता के निधन के बाद अकेले अपना दमखम आजमा रहे हैं। खासकर यह चुनाव तेजस्वी यादव एवं चिराग पासवान का भविष्य तय करेगी। देश व बिहार की राजनीति में 5 दशक तक छाए रहे रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके पुत्र चिराग पासवान के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। चिराग ने बिहार में राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़ते हुए केंद्र की NDA सरकार में साझेदारी का बड़ा कदम उठाया है। अगर उनकी पार्टी चुनाव जीत गई तो वे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। हालांकि हार हुई तो LGP में बिखराव की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में चिराग कमजोर पड़ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में उनके पुत्र तेजस्वी यादव खुद को प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। वे RJD, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी जैसे पार्टियों के महागठबंधन का नेतृत्व संभाले हुए हैं। यह चुनाव तेजस्वी के लिए असल परीक्षा की घड़ी है। देखना होगा कि राज्य की जनता उनका नेतृत्व स्वीकार करती है या नहीं। तेजस्वी यादव के साथ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के तेज की भी परीक्षा तय है। पत्नी ऐश्वर्या राय के डर से उन्होंने अपना पुराना चुनाव क्षेत्र तो बदल लिया है, लेकिन नए चुनाव क्षेत्र हसनपुर से भी ऐश्वर्या मुश्किल खड़ी कर सकती है। तेज प्रताप का पार्टी का एक धाड़ा विरोध करता है। माना जा रहा है कि तेज प्रताप की खुद की जीत उनका RJD में भविष्य निर्भर करेगा। जो भी हो, LJP को चिराग से तो RJD को तेजस्वी से बड़ी उम्मीद है। लोग मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के पास राजनीतिक अनुभव की कमी जरूर है, पर संगठन उनका साथ देगा। अब अपनी विरासत की दूसरे पीढ़ी को ये नेता कैसे बचाते हैं, ये देखना शेष है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।